नवरात्र व्रत शुरू हो गए हैं। देवी माँ की आराधना का पर्व नवरात्र पूरे 9 दिनों तक माँ अम्बे की आराधना की जाती है। 9 दिनों तक व्रत रखने का भी विशेष महत्व है, लेकिन कुछ लोग शुरू नवरात्र और आखिरी नवरात्र का व्रत रखते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ देवी के भक्त 9 दिनों तक देवी की भक्ति में लीन होते हैं। मंदिरों में भी पूरे नवरात्र श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन करने आते हैं और देवी माँ का आशीष प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हो कि आखिर नवरात्र में 9 दिनों का ही महत्व क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको जानकारी देते हैं। 9 दिन व्यक्ति से लेकर समष्टि तक नए के जन्म के लिए उपयुक्त संभावना रचने के लिए पूरी तरह से माने गए हैं। 9 का ये आंकड़ा संख्या से लेकर तत्व, शरीर और आकाश, इनकी गणना तक सभी जगह महत्व रखता है। गिनती करते समय भी 9 पर वो पूरी हो जाती है और उसके बाद अंक अपने आप को दोहराने लगते हैं। प्रकृति के दूसरे हिस्सों में भी इस सामंजस्य को देखा जा सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मनुष्य का जन्म 9 महीने के बाद होता है। इस जन्म के साथ शरीर, रचना और उसके विकास, इन सबकी कई संभावनाएं जुड़ी हुई होती है। 9 दिन में प्रकृति भी अपना पट परिवर्तन कर देती है। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये जो 9 है, इसका हमारे जीवन चक्र और प्रकृति दोनों में ही विशेष महत्व रखता है। कुछ और जानकारी भी हम आपको देते हुए बताना चाहेंगे। नवरात्र में रात यानी रात का अपना ही अलग महत्व है, क्योंकि रात सिद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है और प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने रात को अधिक महत्व दिया है दिन के मुकाबले। जी हाँ, अब ये तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिवाली हो, होली हो या शिवरात्रि और नवरात्रि, इन सभी में रात का ही महत्व है। अब आपको हम ये भी बता दें कि एक साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से एक जो आज से शुरू है, एक जो अक्टूबर में आते हैं जिसके बाद हम सब दशहरा का पर्व मनाते हैं, और बाकी के 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं। माँ दुर्गा जो आदि शक्ति हैं, यूं तो इनके कई रूप हैं और अपने हर रूप में इन्होंने अपने भक्तों का उद्धार ही किया है। हम उन्हीं शक्ति रूपा माँ अम्बे को नमन करते हैं।